ठिकै छ त अन्त तपाईँहरूको मजाको लाइफ होइन भने नाने साने गरिहाल्छ सबैजनाको घरमा गएर त्यो त्योभन्दा ठुलो धर्म के हो त कि कसो ठिकै छ दिदी भेट्दै गरौँ न राम्रो जानुहोस् अब म त वकिङ म त फेरि आजकल वकिङ गर्नु सुरु गरेछु किनभने मेरो पेट अलिक लाग्यो र कम्मर पनि अलिक बढेको कारणले फेरि वकिङ सुरु गरेको छु अहिले डेली एक हप्ता भयो वकिङ गरेको डेली बेलुका बेलुका अहिले 4:20 भयो यही टाइममा हमेसा 4:20-4:15 सधैँ म 5 किलोमिटर वकिङ गर्ने गर्दैछु किनभने मेरो वर्कआउटले भएन एक्सर्साइज बिहान एक्सर्साइजहरू जिममा पनि गर्छु र पनि त्यति फाइदा भएको जस्तो लागेन र वकिङ गर्नुपर्ने रहेछ मैले चाहिँ किनभने जहिले पनि वकिङ गर्दा मात्रै मेरो चाहिँ पेट छिटो घट्छ त त्यही कारण फेरि ग्याप गरेको थिएँ फेरि अहिले फेरि सुरु गरेको छु र आज फेरि मेरो टार्गेट 5 किलोमिटरकै छ हेर्दैछु कति घट्ने हो कति दिन लाग्ने हो फेरि योपालि चाहिँ 6 प्याक्स निकालेर देखाउँ भनेको ट्राई गर्दैछु तर कहिले निक्लिने भगवान् जानुहोस् कोसिस जारी छ जतिसक्दो छिटै निकाल्ने ट्राई गर्छु तर तपाईँहरूलाई पनि एक दिन देखाउँछु तो जैसे कि मैं हमेशा आप लोग को बोलते रहता हूँ अगर आप लोग के जितना भी बिजी हो कहीं भी डिपार्टमेंट में काम करने हो या बिजनेस मैन हो कोई भी हो लेकिन 24 घंटा में 1 घंटा टाइम लगाकर सुबह या शाम आप लोग को ज़रूर एक्सरसाइज करना चाहिए ये बात मैं हमेशा बोलते रहता हूँ तो आज भी मैं आप लोग को ये बात बोल रहा हूँ तो एक्सरसाइज करना बहुत ही ज़रूरी है तो हमेशा अपने शरीर का ख्याल रखिए मैं 1.5 किलोमीटर में अभी चल चुका हूँ लेकिन वॉक करते वक्त आप लोग हमेशा ध्यान में रखिए हमेशा स्पीड वॉक करना चाहिए दोस्त के साथ होने से भी बात कम कीजिए और वॉक ज़्यादा फास्ट कीजिए जैसे अभी मैं देखिए बहुत ही फास्ट चल रहा हूँ स्पीड चलना चाहिए वॉक हमेशा स्पीड होना चाहिए स्लो नहीं करना चाहिए नहीं तो आपका कोई फायदा नहीं होगा तो देखिए इसी तरह से मैं 5 किलोमीटर चलूँगा अभी चल रहा हूँ और यहाँ धूप भी बहुत ज़्यादा है अभी यहाँ पर प्लेन्स में आप लोगों को पता है यहाँ का देखिए पूरा पेड़ भी बहुत सूख चुका है इतना धूप है अभी इधर तो चलने का तरीका यही है मेरा हमेशा की तरह ऐसे ही चलता हूँ वॉकिंग करते वक्त तो आप लोग भी जब भी वॉक करेंगे स्पीड आप जितना स्पीड चल सके उतना ही स्पीड चलिए जोर ज़बरदस्ती मत कीजिए लेकिन कोशिश कीजिए आहिस्ता आहिस्ता करने से वो भी आप लोग का आदत बन जाएगा तो हमेशा यही आदत रखिए तो मैं अभी 4 to 4.5 किलोमीटर पैदल चल चुका हूँ अब यहाँ से मैं जाऊँगा ग्राउंड तो ग्राउंड में जाके थोड़ा ट्रेन एक्सरसाइज करूँगा वहाँ पर भी पहले 2 चक्कर लगाऊँगा उसके बाद ट्रेन एक्सरसाइज करूँगा उसके बाद घर जाऊँगा ये है ग्राउंड तो फाइनली मैं अभी ग्राउंड में आ चुका हूँ तो अभी यहाँ पर 2 चक्कर लगाऊँगा उसके बाद ट्रेन एक्सरसाइज करूँगा उसके बाद घर चला जाऊँगा तो मेरा ग्राउंड का 2 चक्कर भी कंप्लीट हो चुके हैं तो अभी मैं वहाँ पर जाऊँगा थोड़ा आगे जाके थोड़ा फ्री एंड एक्सरसाइज करूँगा उसके बाद घर चला जाऊँगा देखिए अभी धूप भी कम हो चुके जब मैं घर से निकला था पूरा धूप था थोड़ा कम हो चुका है तो अभी थोड़ा फ्री एंड एक्सरसाइज करूँगा उसके बाद सीधा घर चला जाऊँगा और घर में जाके थोड़ा एक काम है वो भी मैं आप लोगों को दिखाऊंगा क्या कर रहा करने वाला हूँ घर में जाके वो भी मैं आप लोगों को वीडियो दिखाऊंगा तो बने रहे मेरे वीडियो पर ये टमाटर फल्दैछ त हेर्नुहोस् है फुलहरू लागिरहेछ र यसमा थाकरा लगाउन लागि हेर्नुहोस् है अस्ति यहाँ थाकरा लगाएर यत्रो टमाटर भइसकेछ यहाँ हेर्नुहोस् है टमाटर कस्तो दामी भएको छ अर्ग्यानिक
र अब यो अस्ति थाक्रोला चाहिँ र यहाँ पनि थाक्रोला अलिक भयो नै यो लामो लामो भयो त्यही कारण अब यहाँ थाक्रो लाउने हो म चाहिँ त्यसको लागि यो काटेर यहाँ रेडी राखेको छु अब चाहिँ म थाक्रो लाउँछु र यही दुःख सुखको थाक्रा त मैले बनाइदिएको छु हेरौँ कति फुल्ने हो सानो सानो फल त लागेको छ फुलहरू पनि फुलिरहेकै छ दुःख सुखको थाक्रा चाहिँ लगाइदिएको छ साथी हो अब हेरौँ टमाटर चाहिँ कति फल्ने वो भी मैं आपको बाद में देखूँगा टमाटर अगर ज़्यादा होता है तो अभी मैंने मेरा काम कर दिया हूँ दुख सुख का काम इससे ज़्यादा तो मुझे आता भी नहीं है जितना आता था उतना तो मैं कर दिया हूँ अब देखता हूँ इसका Yeah.